हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर, यानी हमें बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं ये देखने के लिए कि कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को आप 2 सेकंड में कैसे पता लगाते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं आपके सामने, पहले से ही लिखे हुए हैं, ये नंबर प्राइम नंबर ही है, ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको चेक कैसे करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। चेक करने का बड़ा ही इजी वे है, अगर हम वैसे चेक करने की कोशिश करें तो हर बच्चा क्या करेगा, मान लो 83 है, और 83 अगर प्राइम नंबर है या नहीं है उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेगा, नहीं जा रहा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, फिर 4 से डिवाइड करेगा, फिर 5 से डिवाइड करेगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 40 तक चला जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो कि रफ है, ठीक है। चलो इसमें तो भी कम करनी पड़ी, मान लो हमारे पास ये आ गया 239। अब इसमें क्या करोगे, इसमें तो कैलकुलेशन और ज्यादा हो, आप 3 से भी ट्राई करोगे, आप 5 से ट्राई करोगे, माना कि इवन नंबर से नहीं जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर कितना ट्राई करोगे, फिर 7 से ट्राई करोगे, उसके बाद आप 9 से ट्राई करोगे, आप 11 से ट्राई करोगे, आप 13 से ट्राई करोगे, और बहुत सारे नंबर से आप ट्राई करते रहोगे, ठीक है। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए मैं एक ईजी वे बताऊंगा आपको इस वीडियो में, जिससे आप किसी भी नंबर को आराम से थोड़े से स्टेप्स में, यानी 3-4 स्टेप्स में आप बता सकते हो कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, मैं जितने भी नंबर लिखे हैं सबके लिए बताऊंगा, तो इससे आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। सबसे पहले नंबर लेते हैं हम 53 को, ठीक है। अब 53 का अगर मैं अंडर रूट करूं, ठीक है, और अंडर रूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे ग्रेटर पी कोई नंबर होगा। अब पी क्या है, ध्यान रखना, पी स्क्वायर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पी क्या है, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब हुआ कि जो भी यहां वैल्यू आएगी, यानी इससे बड़ा नंबर, जो इससे बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन सा होगा, वो है 64। इससे बड़ा नंबर क्या है, 64। तो अगर पी स्क्वायर 64 है तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 8। पी की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 इज, मैं यहां लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और पी इज इक्वल टू, या मैं ऐसे कर दूं 64 अंडर रूट, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो यहां पर क्या, 8 इज ग्रेटर देन रूट 53, ठीक है। तो 8 से पहले के जितने नंबर है, क्या 8 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर है, यानी 2, 3, 5 और 7, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको 53 के लिए हर नंबर से चेक नहीं करना, सिर्फ इन 4 नंबर से चेक करो, अगर इसे डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर इसे डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर करते हैं 53 से 2 से नहीं जाएगा, 53 को डिवाइड करो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद 53 को डिवाइड करते हैं 5 से, इससे भी नहीं होगा, 53 को डिवाइड करते हैं 7 से, इससे भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, चारों में से किसी से नहीं हुआ, इसका मतलब है ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिया 83, तो 83 से बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल रूट मत लगाओ इसमें, ठीक है। 83 से जो नेक्स्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर वो कितना है, 100। तो 100 से 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी 10 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है, यानी 10 से पहले के जितने प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 बस, ठीक है। अब इन 4 नंबर को, इस नंबर को इन 4 से डिवाइड करके देखते हैं, यानी 83 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा डिवाइड, 83 डिवाइडेड बाय 3 जाएगा नहीं जाएगा, इससे भी डिवाइड नहीं होगा, 83 डिवाइडेड बाय 5 इससे भी डिवाइड नहीं होगा, 83 डिवाइडेड बाय 7
1 और 13 इससे डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। मैं पहले ही बोल रहा हूं मैंने जितने भी यहां नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। मुझे चेक करके दिखा रहा हूं मैं आपको कि किस कौन सा नंबर किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। इसके बाद अगला नंबर चेक करते हैं एक बार, जैसे 101, ठीक है 101 अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे भी आप ले सकते हो, सिर्फ बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या होगा, देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 तो छोटा रह जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 क्या है, इससे बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका अंडर रूट कितना होगा, इसका अंडर रूट होगा 11। अब 11 से पहले के कितने नंबर है जो प्राइम नंबर है, पहले के नंबर वही दोबारा से आते हैं 2, 3, 5, 7 और उसके बाद सीधा अगला नंबर 11 ही है, ठीक है। तो 11 भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है बट इससे चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो 11, अब 101 को डिवाइड करो 2 से नहीं होगा, डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, 101 को आप डिवाइड करो 3 से, 3 से 3 पे जा रहा है 11 बन जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 101 को डिवाइड करो 5 से, नहीं होगा। 101 को डिवाइड करो 7 से, 7 से 1 पे जाएगा, तो यहां से 3 यानी 31 को 7 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 101 को डिवाइड करो 11 से, 99 पे चला जाएगा, ठीक है, पर फिर भी 2 बच जाएंगे तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि 101 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो प्राइम नहीं है, जैसे लेते 85 कोई ऐसा नंबर दूसरा लेते हैं, 87 ले लेते हैं, चलो ठीक है 87 तो बिल्कुल ऐसा लग भी रहा है कि हाँ शायद प्राइम भी हो सकता है, कंफ्यूजन वाला कुछ नंबर, इसको भी चेक करते हैं एक बार। अगर 87 का जो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो है 100, और 100 का स्क्वायर रूट करो तो आता है 10। 10 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमारे पास हैं ये, इसका मतलब अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं, अगर मैं 87 को डिवाइड करता हूं 2 से, डिवाइड नहीं होगा, बट 87 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो 3 से कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 से गया 6, 2 बच गया 227, तो 39 पे चला गया, डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगला नंबर चेक करते हैं, चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ऐसा करते हैं 433 ले लेते हैं, ठीक है। 433 बड़ा नंबर भी है और ये भी दिक्कत नहीं होगी आपको कि इतने बड़े नंबर का कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी ये देखो कि इससे बड़ा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर वो कौन सा होगा, भाई 20 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आता है 400, इसका मतलब 21 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 441, यानी 441 इज ग्रेटर देन दिस, तो 441 इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। इसको अब हमारा इसका कोई काम नहीं बचा, अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूं तो वैल्यू आती है 21, और 21 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, सिर्फ ये आएंगे काउंट के नंबर, यानी आपके पास सिर्फ 8 नंबर आए, आपको इतने बड़े नंबर को चेक करने के लिए भी सिर्फ 8 बार चेक करना है, उसमें भी क्या है आपके छोटे छोटे नंबर है उनमें तो इजी हो जाएगा, यानी 433 को डिवाइड करोगे 2 से, नहीं होगा, 433 को डिवाइड करोगे 3 से, आप चेक करो बड़े आसान आराम से चेक हो जाएगा, तो 1 पे जाएगा 13 नहीं जाएगा ये भी, ठीक है। 433 अपॉन में 5 बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है 5 से डिवाइड करने के लिए उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। 433 अपॉन में 7 से कितने पे जाएगा, 6 पे 42 चला गया, 42 पे 1 बच गया 13, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 433 इसका डिवाइड करते हैं 11 से, ये 33 पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 बच गया, 10 और फिर कितना बच गया 10, क्योंकि डिवाइड करोगे तो या तो 44 होना चाहिए था, 44 है नहीं, तो कितना जाएगा 33 में से 10 बच गया और 103 हो गया, डिविजिबल नहीं है ये भी नहीं जाएगा। उसके अंदर 433 डिवाइडेड बाय 13 से जाएगा कितने 26, 49, 39, 3 से जाएगा
39 में 4 बच गया 43, तो 13 से सिर्फ 3 पे जाएगा 39 कितना बच गया 4, तो 4 उसके अंदर पॉइंट्स मार जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ। अगला देखते हैं कितना है 17 से, तो 433 डिवाइड बाय 17 से डिवाइड अगर हम करते हैं इसको तो जाएगा 2 पे कितना आएगा 34 यानी 43 डिवाइड माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 93 बच गया 93। अब 93 को डिवाइड 17 का टेबल पढ़ते हैं जरा, तो कितने बज जाएगा, डिवाइड नहीं होता 17 से भी, ये डिवाइड नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 19 से भी सेम करोगे आप, है ना, 433 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है, इससे भी डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है जब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यही एक बड़ा इजी वे है इसमें हम, अब 191 अब इसमें क्या है, बड़े नंबर चेक कर सकते हो आप, बट हमें क्या है, हमें सिर्फ कुछ सेलेक्टेड नंबर मिलते हैं, ठीक है, हमें कुछ सिलेक्टेड नंबर मिलते हैं, उन सिलेक्टेड नंबर में ही चेक करना होता है, अगर उनसे डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और उनसे डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर वो है, ठीक है, ये बड़ा